तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्चुअली कुछ बेसिक फीचर्स की। और हमने प्रीवियस क्लासेस में पेस्ट स्पेशल जो हमारा क्लिपबोर्ड था उसको हमने खत्म किया था। आज मैं आपको फॉर्मेटिंग एंड कुछ सिलेक्शन कुछ मेथड समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक होगा लेकिन उसमें बहुत सारी चीज नई होगी और छोटी छोटी मगर मोटी बातें लाइक दैट। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। होम मेनू बार में हमारा क्लिपबोर्ड है, तो इसमें जैसे कि आपने कॉपी एंड पेस्ट करना सीख लिया, पेस्ट जो प्रिंटर ये था फॉर्मेट प्रिंटर है, तो ये तो नॉर्मली आप यूज करते ही हैं। इस पे आपने क्लिक किया जहां अप्लाई करना अप्लाई कर, अब कई सारे जगहों पे अप्लाई करना है तो इस पे आप डबल क्लिक कर दे, जहां जहां माउस पॉइंटर लेके जाएंगे आपका फॉर्मेट होते चला जाएगा। अब इसमें जो क्लिपबोर्ड है वो थोड़ा सा एक नई चीज है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, कई सीटों पे डेटा है, मैं एक छोटा सा डेटा भी बना लेता हूँ। जो कॉपी किया पेस्ट पेस्ट फिर से पेस्ट और अगेन पेस्ट, सारा कॉपी करता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर। तो मेरे पास पांच अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा है हमारे पास, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या होता है कि एक के नीचे कंपाइल करना होता है लास्ट डेटा शीट में। तो आप लोग क्या करते हैं कि पहले जाते हैं डेटा शीट में, डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, फिर डेटा पे आते हैं, फिर यहाँ सबसे लास्ट पे जाते हैं पेस्ट करते हैं, फिर वापस दूसरे शीट पे कॉपी, फिर डेटा, फिर लास्ट, फिर पेस्ट। तो इसी तरह से आप कंटिन्यूस करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कर रहा कि आप इसको 100% ऑटोमेट कर लें, लेकिन हाँ इसका 50% काम ऑटोमेट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको क्लिपबोर्ड को यहाँ एरो निशान दिख रहा है, इस क्लिपबोर्ड को आपको ऑन कर लेना है और उसके बाद जस्ट आपको कॉपी करते चला जाना है। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए कॉपी, ऐड हो गया। तो बस आपको वन बाय वन करके सिलेक्शन करनी है, कॉपी करनी है, सिलेक्शन करनी है, कॉपी करनी है, सिलेक्शन करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट आपको नहीं करना है। जब आपका सारा कॉपी हो जाता है तो आप डेटा शीट पे जाएं और यहाँ पे एक आ रहा है आपको पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। तो आप जब कई सारे डेटा को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करते समय आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका 50% है वर्क कम कर देगा। और ये सिर्फ इसके बाद इसको क्लियर कर लीजिए, और सिर्फ एक्सेल पे ही नहीं चलता है सर। अब मान लीजिए कि आप इंटरनेट से या कहीं और किसी और एप्लीकेशन से डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो वहां भी आपको ये जो है मदद करता है, ठीक है सर। दीपक जी एंड ये विजय जी, क्लिपबोर्ड समझ में आ गया? हाँ सर। विजय जी आपको आया? ओके, तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की। सिलेक्शन डेटा सिलेक्ट करना के टॉपिक तो मैंने कवर नहीं किया था ना सर? नहीं। तो
तो हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की, कि हम अपने डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के क्या क्या चीजें हैं, कर्सर मूव कैसे करेंगे। चलिए इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो मान लीजिए डेटा है आपको और डेटा को सिलेक्ट करना है, तो एक तो आप कंट्रोल ए कर दे, ये आपको करेंट रीजन जो कंट्रोल ए होता है, ये आपका यहाँ फाइनेंस सिलेक्ट गो टू स्टेशन में करेंट रीजन होता है जो सिलेक्ट। अगर आपने दो बार कंट्रोल ए कर दिया तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है, या फिर सीट को सिलेक्ट करना है तो यह ट्रायंगल है इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरी सीट को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्सर मूवमेंट की, अगर मुझे कर्सर सॉरी सिलेक्शन की, नॉर्मल सिलेक्शन की, तो आप जो है एक तो है कि आप माउस पॉइंटर से भी सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आपको डेटा ज्यादा है तो आप पहले वाले स्टार्टिंग पोजीशन पे कर्सर को रख दें, शिफ्ट प्रेस करें, लास्ट में जहां डेटा है वहां पे क्लिक करें, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और वीवीएम में इसी मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करनी हो, जैसे मैं कुछ कुछ डेटा सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ साथ आप इसको क्लिक करते चले जाइए, आपका सिलेक्ट होता जाएगा। लेकिन सिलेक्शन करके आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप जैसे मर्जी इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉपी करना है तो फिर आप इस तरह सिलेक्शन नहीं कर सकते, सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो हुआ अब मैं सिर्फ एक इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरा डेटा कॉपी नहीं होगा, मुझे इसी के नीचे यहाँ सिलेक्शन करना होगा सीक्वेंस। अब मेरा डेटा कॉपी होगा, ठीक है सर? हाँ। तो मल्टी सेल सिलेक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कॉपी करना है तो इसी तरह के सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग या कुछ और करना है तो कोई बात। अब मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करते समय आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बहुत सारे मतलब कि गैप्स है। अब मैं अगर कहीं पेस्ट करूंगा तो कंटिन्यूस होगा, गैप नहीं होगा, ठीक है। अब ये सिलेक्शन के बाद बात करते हैं, मान लीजिए कंट्रोल ए हम कभी कभी नहीं करते हैं, ना करने का रीजन होता है कि मान लीजिए इसका फालतू डेटा है, अगर मैंने कंट्रोल ए कर दिया फालतू डेटा भी सिलेक्ट हो जाता है, तो उस केस में कर्सर मूव करने का एक होता है कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो किया तो सबसे लास्ट में कर्सर चला जाएगा, सबसे लास्ट डेटा। तब अगर आपका कोई ब्लैंक सेल ना हुआ तो, अगर ब्लैंक सेल हो तो फिर वो उसी के ऊपर आके रुक जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल से डाउन एरो, लास्ट लास्ट राइट में, राइट में डाउन, डाउन में लेफ्ट, लेफ्ट में अप, अप में, इस तरह से मूव होगा। अब मान लीजिए कि इसको सीरीज करता है, जरूरी नहीं कि भाई फिल्म में सीरीज मेंटेन करता है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया अब इसके नीचे सब ब्लैंक ही है, तो जहां तक उसको नंबर नहीं मिलता है, डेटा में वैल्यू नहीं मिलता है, तहां तक जाके रुकेगा, सबसे लास्ट में रुकेगा, नीचे से ऊपर करोगे लास्ट सेल पे आ जाएगा। सीरीज ब्लैंक है तो ब्लैंक के बाद जैसे वैल्यू आएगी वहां पे रुकेगा, अगर वैल्यू है जहां ब्लैंक आएगी वहां पे रुकेगा। इसी में अगर शिफ्ट का यूज कर लीजिए, जैसे मैंने कंट्रोल मान लीजिए राइट एरो करता हूं तो इससे जंप हो रहा है ना, हमें इसी में कंट्रोल शिफ्ट कर दिया तो ये राइट पे देखे राइट चला गया, डाउन पे डाउन चला, ठीक है। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ब्लैंक सेल है तो फिर ऊपर में क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट पे माउस पॉइंटर जाके क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा सेक्शन। क्योंकि जब ऑफिस में डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसको सिलेक्ट करके कुछ और करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए सिलेक्शन के थॉट हमने आपके साथ डिस्कस किया है सर। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे मगर जैसे
ऑफिस में आप लोग हम लोग काम करते हैं तो कुछ फॉर्मेटिंग मेथड की जरूरत पड़ती है, चलिए उन फॉर्मेटिंग मेथड के बारे में बात करें। फॉर्मेटिंग ट्रिक क्योंकि फॉर्मेट इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी रिपोर्ट आप खोलते हैं तो फॉर्मूला से पहले दिखता है हमारा फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए कि आप टेम्पलेट में जाते हैं, टेम्पलेट में जाके ही आप न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, जैसे इसी को देख लीजिए, इसमें फॉर्मूला लगाया गया, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है ना सर। ऐसे यहाँ यूज किया गया है तो कैलेंडर के लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है कैलेंडर की तरह, क्या सर। हाँ। तो कोई भी हम रिपोर्ट बनाते हैं ना सर, तो पहला होता है एनालिसिस, मतलब कि हम पहले एनालाइज करते हैं अपने डेटा को और अपने रिपोर्ट को कि भाई क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद तैयार करते हैं फॉर्मेट और उसके बाद करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि चार्टिंग वगैरह जो होता है उसका यूज। ठीक है, ये चार मेथड होते हैं। एनालिसिस तो अपनी आपने अपने दिमाग और अपने अपने सोच की पे डिपेंड करता है। फॉर्मेटिंग जो है, ये फॉर्मेटिंग आपको नॉर्मली जो आप करते हैं पे है, जो आप करते हैं नॉर्मली जो चीजें करते हो होता है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ चीजें होती है सबको पता नहीं होती है। चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सुपर स्क्रिप्ट के बारे बात करते हैं। जैसे कि हमने टेंथ लिखा और टी एच लिख दिया, तो जनरली आप एम एस वर्ड में जाके लिखते हैं तो टी एच ऊपर चला जाता है। ऐसे मुझे 10 डिग्री लिखना हो तो 10 डिग्री तो नहीं लिख पाऊंगा ना सर, यहाँ पे डिग्री ऊपर होता है। तो इन सबों के लिए हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो जिस वर्ड को ऊपर की तरफ भेजना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फॉन्ट पे जाइए, पूरा सेल में सिलेक्ट कीजिएगा, आप उस करेक्टर को सिलेक्ट कीजिएगा जिस जो करेक्टर आपका सुपर स्क्रिप्ट है। उसके बाद यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे हमने क्लिक किया एंड ओके, आप देखिए मारते आपको ऐसे 10 डिग्री है तो 10 लिखा और स्मॉल ओ हमने दे दिया। अब मैं इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर जाता हूँ और मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, आ गया सर 10 डिग्री। इसी तरह से मान लीजिए मुझे अगर 10 स्क्वायर करना है तो 102 और हमने 2 को सिलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर चला गया ना सर, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करके बाहर निकलूंगा नॉर्मल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर है। सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो है सिर्फ टेक्स्ट को वर्क करता है, ना कि नंबर। तो मुझे इसको सिंगल कोट लगा के 102 करना होगा और इसको लिखना होगा नंबर फॉर्मेट में और फिर इसको सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट में जाना होगा और यहाँ देना होगा सुपर स्क्रिप्ट। 102 को आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा क्या? हाँ, आगे सिंगल कोट लगा दिया तो टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट। ओके। राइट सर, ऐसे आपको H2O मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट में आता हूँ और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। सर तो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, डाउट सर इसमें? नहीं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ पे नहीं, अलाइनमेंट में नहीं, मैं बताना भूल गया कि करना क्या है मुझे। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें से जो नंबर गलत है उसको शो करना है,
तो जनरली आपके पास अगर नोट पैड होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको क्रॉस कर, लेकिन ये तो मतलब इसका जूम का फीचर है। उस केस में क्या करेंगे हम इसको, मतलब कि हमें ऐसा चाहिए जो प्रिंट आउट निकाल सके, तो हम फॉन्ट में या अलाइनमेंट में किसी पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे बॉर्डर पे और इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड ठीक है सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो भी मैं कलर चेंज कर सकता हूं बॉर्डर, यहां पे ऑटोमेटिक की जगह पर रेड कलर ले लेता हूं, रेड ठीक है, सही का निशान देना है वो भी दे सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमने अप्लाई किया है ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से, मतलब कि जस्ट विजुअल और प्रिंटिंग पर्पस से ही, आप अगर चाहेंगे कि भाई इसमें मतलब किसके बिहाफ पे कोई फॉर्मूला या फिल्टर या ऐसी चीजें लगा सके तो वो चीज इसमें नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को कंसिडर नहीं करता है, तो मुझे ऐसा चाहिए जो फॉर्मेटिंग को कंसिडर करे, एक्सेलेंट सर, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो
सॉरी सर, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इसमें कुछ ऐसा करें कि ऐसा ही हो लेकिन वो फॉर्मूला उसको कंसीडर करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैप्स में पी लिखेंगे। तो पी कैप्स में लिखने के बाद अगर मैं इसके ऊपर एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू या बेंडिंग टू करके ऐसी फॉन्ट होता है, इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, पी को एक सही के निशान में टिक मार्क में, सही के टिक मार्क में कन्वर्ट, और कैप्स में ओ लिखूंगा तो क्रॉस। तो फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ओरिजिनल पर चलता है, तो ओरिजिनल में क्या है आपका पी है, विजुअल ऐसा है, तो इस पे फिल्टर लगाना हो या कुछ करना हो तो पी और ओ के बीच में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अलाइन यहाँ पे रैप है, सॉरी ओरिएंटेशन है, रैप तो बाद में पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन मतलब कि अगर कुछ लिखते हो उसको चेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये फॉन्ट आपके पास नहीं है तो एक तरीका और भी है कि कैप्स में जे लिख दें और इस जे को -45 degree के ऊपर में रोटेट कर दीजिए ओरिएंटेशन, वो भी आपका टिक मार्क का बन जाता है। एक बार हमने इसको भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है सर, कैसे हुआ फेरी? हमने इसको सेलेक्ट किया, जे लिखा कैप्स में और अलाइनमेंट में गया। अलाइनमेंट में क्या होता है, एंगल चेंज करने के लिए होता है। ओके, क्या किया हुआ, इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर दिया। ओके, तो जे का शेप अलग हो गया। तो इस एक होमवर्क भी नोट कर लीजिएगा साथ में, साथ में आगे बोल जाओगे। एक ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जिसे हम डिग्री के ऊपर अपने हिसाब से चेंज करते हैं, इसका एक ऑफिशियली यूज बताइएगा जहां पे ये लग के हमें बहुत प्रॉफिट देता है, बेनिफिट देता है। ये तो ऐसे ही बता दिया ना मैंने सर, इसका कोई ऑफिशियली यूज तो है नहीं, लेकिन इसका एक ऑफिशियली यूज इस ओरिएंटेशन का आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे कि यही पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुजीत कुमार, देखते हैं कि आगे चला गया, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कॉलम ऑटो फिट हो जाता है। रैप कर दीजिएगा तो टूट के नीचे चला जाएगा, रो आपका बड़ा हो जाएगा, कॉलम का साइज जस का तस रहेगा। अब रैप की बात आती है तो मैं अपने हिसाब से तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे क्लिक करने पे कॉलम की साइज, वर्ड की साइज, स्पेस, कई सारे चीजों को देख के टूटता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 786 ऑल्ट एंटर 852 ऑल्ट एंटर, तो जहां से वो तोड़ना है बस ऑल्ट एंटर कर दीजिए, आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं। लेकिन क्या होता है कि मैं रैप करना चाहता हूं और नहीं मैं इसको माने कि कॉलम की विड्थ बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना बड़ा एरिया सेल का एरिया है उतना एरिया में फिट हो जाए, तो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, वो आता है श्रिंक टू फिट। तो उतने एरिया में श्रिंक होके फिट हो जाता है। तो अगला जो हमारा आता है नंबर फॉर्मेट, तो छोटे मोटे फॉर्मेटिंग तो बात कर ली, बट नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, ये चार ऑफ चीज तो जनरली आप जानते ही थे, लेकिन इसको जो चीज थी सिखाने लायक मैंने बता दिया आपको। ये आपका जो ओरिएंटेशन का एक होमवर्क भी दे दिया मैंने आपको करके, एक यूज इसका लेके आना है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका फॉर्मेट का, नंबर फॉर्मेट का है, जो कि हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ध्यान रखिएगा कल की क्लास में आपको हम एक फॉर्म देंगे बनाने के लिए, या एक फॉर्मेट देंगे बनाने के लिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट या रिपोर्ट का फॉन्ट फॉर्म हो, मतलब इसी तरह कुछ चीजें देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो फॉर्मेटिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। सर वो आज वाला रिकॉर्डिंग मुझे भेजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा देर में भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। और दूसरी चीज ये है, आपको आप दोनों आदमी को पिक्चर लुकअप तो समझ में आ गया था ना,
पिक्चर लोकअप मिस हो गया है मेरे से। नहीं, मैंने वीडियो भेजा था आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा नहीं सर, वो समझ में नहीं आया, वो बहुत टफ है। आपने देखा था उसको? हाँ सर, जितना फॉर्मूला वाला जितना चीज होता है ना वो समझ में आ जाता है, ये तो आउट ऑफ बॉक्स गया। अच्छा ठीक है, मैं कल उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। और सर एक एक इशू मुझे बताइए ना, जैसे क्या कोई एक डेटा होता है ना मेरा, उसमें 4,000-5,000 लाइन होती है और मैं फर्स्ट जगह पे फर्स्ट पे होता हूँ और मुझे लास्ट तक जा करके उसको कॉपी करना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूँ तो पूरा कॉपी हो जाता है, फिर मैं उसको एरो की से जिस कॉलम में जाना था उस कॉलम में जाता हूँ, फिर मैं पेस्ट करता हूँ। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं? कंट्रोल पूरा डेटा कॉपी करना आपको? नहीं, जैसे कि समझिए कि सारे डेटा है उसमें मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया और उसमें 4000 लाइन है, 4000 लाइन है तो पहले पे मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वही सेम फॉर्मूला मुझे 4000 तक जाना है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, मैंने पूजा लिख दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अभी यही सेम चीज मुझे 4000 पे लिखनी है। मान लीजिए आप अगली कॉलम में भी, अगली कॉलम में भी मुझे सेम चीज को लिखना है, या फिर मान लीजिए कि हमने कुछ मान लीजिए फॉर्मूला दिया हुआ है 26, मुझे इसको नीचे तक अप्लाई करना है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, और ये 4000 पे अप्लाई करना है। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस कॉलम पे कंट्रोल डाउन करेंगे। क्या आ गए? कंट्रोल डाउन एरो, माफ कीजिएगा, डाउन नहीं, डाउन एरो, फिर एक कर, एक कर्सर से आप यहाँ आएंगे, पूरा ऊपर का ब्लैंक है ना, कंट्रोल शिफ्ट अप कर दीजिए, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉपी किए हुए तो पेस्ट कर दीजिए, अगर कॉपी नहीं किए हुए तो कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी में क्या होता है? फिल डाउन, ऊपर की चीजें नीचे फिल हो जाती है, आर कंट्रोल आर फिल राइट, राइट की चीजें फिल हो जाती है। कंट्रोल डाउन, हाँ ये सही है, ठीक है ना। हाँ हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर, ओके ओके, बाय। रिकॉर्डिंग भेजिए जरूर।